नमस्कार दर्शक बंधु मु मानी वेलकम करुछि आपण मानंकु गोटे नुआ रेसीपी सहित भेज फुड ओडिया रे। आज मु आपण मानंक सहित शेयर करिबी बिना प्याज रसुण रे तयारी पनीर बटर मसाला। आपण रेसीपी टिकु आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु, आपणकु निश्चित पसंद आसीबो। ग्यास उपरे मीडियम लो फ्लेम रे गोटे पैन बा गोटे कढ़ाई रखि नबा। सेथरी आमे गोटे चम्मच सोरिष तेल दे दबा, दुई खंड डालचीनी दे दबा, दुईटी गुजराती के छिड़े की पकाई दबा, चार पांचटी गोलमरीच पकाई दबा, आधा चम्मच गोटा जीरा एथरे ऐड कर दबा, हाफ कप कटा जाइथिबा कैप्सिकम एथरे ऐड कर दबा, आउ दुईटी टमाटो को रफली काटिके एथरे ऐड कर दबा, गोटे बड़ चम्मच मगज एथरे दे दबा, दुई इंच रे अदा को छेचिकी बा छोट छोट करी काटिके एथरे पकाई नबा, आधा चम्मच लुण बा स्वाद अनुजाई लुण एथरे पकाई नबा, वन थर्ड चम्मच हळदी पाउडर एथरे पकाई नेकी याकु आमे मिक्स करी नबा। गोटे मिनिट पर्यंत मीडियम लो फ्लेम रे याकु फ्राई कर नबा। तापरे एथरे आमे गोटे कप पानी ऐड करिकी याकु भल भाबरे मिक्स कर नबा, आउ 3-4 मिनिट पर्यंत याकु आमे लो फ्लेम रे ढांकी दबा। 3 मिनिट ढांकिला परे यार कवर खोली नउची, मो एटी चेक कर नउची भल भाबरे सिछि नै, सेति पय आउ 2 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे याकु मो ढांकी देबी। 2 मिनिट परे मसलारु कवर खोली नबा, आउ याकु आमे चेक कर नबा। आपण देखि पारथुबे मसला एठे हमर परफेक्टली सिझि गलाणी। गैस रो फ्लेम को एबे आमे ऑफ कर दबा, आउ ठंडा हबा पय याकु छाडी दबा। ठंडा हेला परे याकु आमे गोटे मिक्सचर जारि नै जिबा, गोटे साइड रे रखि नबा। एबे आमे नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा, 3-4 चम्मच फ्रेश दही आमे नै जिबा। दही रे एबे आमे ऐड कर दबा गोटे बड़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच एथिरे काश्मीरी लंका पाउडर ऐड कर दबा, जोटा कि तरकारी को हमर कलर करिवो किंतु राग कम रहिवो। आपण चाहिले काश्मीरी लंका पाउडर बदल रे आपण केते राग खाइबे सेय अनुसार आपण घर तयारी लंका पाउडर ऐड कर नै परिबे। या सहित गोटे चम्मच सोरिष तेल ऐड करिकि एई दही रो मिक्सचरटा आमे भल भाबरे गोळेइ नबा। एबे आमे ठंडा करि रखिथिबा मिक्सचर जारे मसला को नै आसीबा, आउ सेथिरे एबे आमे ऐड कर दबा दही सहित मिक्स कर रखिथिबा आमे धनिया पाउडर आउ लंका आउ सोरिष तेल को। मसलाटा जेमिते चिकन करके बाटी हे जिवो आमे सेई भली भाबरे याकु बाटी नबा। आपण चाहिले जो दही रो मिक्सचर ताकु तरकारी कसिला बेले जेतले मसलाटा आपण कसिबे सेतेबे ऐड करि परिबे, किंतु मु एबे ऐड कर देली काहे किना दहीटा छेना छिड़ी जाए। मसला सहित जदि आपण मिक्स करके बाटी नेबे एका थरे के ताहले दही छेना छिड़िबनी। जेतेबे गरम कढ़ाई रे आमे दहीटा दबा सेतेबे बिल्कुल भी छेना छिड़िबनी, सेतिपे आपण मसला सहित याकु मिक्स कर नेबे। मसला रेडी हे गला, एबे याकु आमे गोटे साइड रे रखि नबा। 300 ग्राम रो पनीर मु नेछि, पनीर को एभली छोट छोट साइज रे क्यूब साइज रे मु काटि नेछि, जाहाकु तेल रे एबे मु फ्राई कर नेबी। आपण मानंकु मोर गोटे रिक्वेस्ट, जदि मोर रेसीपी आपण मानंकु भलो लागुछि ताहले चैनल को लाइक आ सब्सक्राइब करि नियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को भी क्लिक करि नियंतु, जेतेबेले मु नुवा नुवा रेसीपी शेयर करिबी आपण मानंकु पाखरे नोटिफिकेशन पहुँचि जिबो। आ मोर ए कुकिंग चैनल रे आपण सबु रेसीपी बिना प्याज रसुण रे ही पाइबे। पनीर एबे आमर फ्राई होगला, एबे आमे गोटे साइड रे याकु रखि नबा। सेम कढ़ी रे तेल को मु बाहर करिकी एबे सेथरे मु हाफ चम्मच गुआ घी ऐड कर देली। आपण चाहिले घी बदल रे आपण तेल यूज कर नै परिबे, किंतु घीटा आपण ट्राए करिबे दबा पई टेस्ट यार बहुत ही बढ़िया आसी जिवो। गोटे तेजपत्र को एथरे मु छिड़ेकी पकाई देली, दुईटी कंचा लंका को मझेरे फाळ करिकी एथरे पकाई देली, 1/4 चम्मच एथरे मु हेंगु ऐड कर देली। एबे एथरे मु ऐड कर देली बाटी रखिथिबा मसला प्यूरी को। मीडियम लो फ्लेम रे मसला को आमे गोटे मिनिट पर्यंत कसि नबा। हाफ कप पानी एथरे ऐड कर दबा, बाटी रखिथिबा मसला प्यूरी रे लागि रहिथिबा मसला रे मु आधा कप पानी ऐड करिकि एथरे मु से पानीटा को ऐड कर देली। मसला सहित पानी को आमे मिक्स करि नबा। एहे परे आमे 3-4 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे याकु ढांकि दबा, आ मझरे मझरे याकु आमे मिक्स करि नउथबा। मसलाटा एठी हमर बेसी कसिबा दरकार नै, काहे कि ना हमें ऑलरेडी मसला को फ्राई करके सिझे दे। 4 मिनिट पर यार कवर खोले नौ, आपण देखिपे मसलारु तेल और मसला पूरा अलग अलग हो गला। एबे एथरे आमे फ्राई कर रखिथिबा पनीर को ऐड कर दबा। पनीर को आमे मसला सहित मिक्स कर नबा। एहा परे एथरे आमे ऐड कर दबा गोटे चम्मच कस्तूरी मेथी पत्र, आउ गोटे बड़ चम्मच टमाटो सॉस एथरे ऐड कर दबा। यह सहित एबे एथरे आमे ऐड कर दबा 1/4 चम्मच गरम मसाला। ए सब को ऐड करके आमे मिक्स कर नबा। एहा परे आमे लो फ्लेम रे एहा को गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत ढांकी दबा। गोटे बा 2 मिनिट ढांकिला परे एहार कवर खोली नबा।
ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଟର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ପନିର ବଟର ମସଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।